निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आगरा में लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अपने परिवार के साथ आए हैं वोट करने के लिए, वोट करके निकले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सर, आज आपने मतदान करा है, क्या कहेंगे, क्या है कहेंगे? आगरा की जनता ने मोदी और योगी जी के कामों का और उन दोनों के कृतित्व व्यक्तित्व का दोनों का असर है। पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अति उत्साह से वोट डाल रहे हैं। आगरा के आम जनमानस को गंगा जल मिला, गरीबों के राशन मिला और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को वो सुविधाएं मिली जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे आयुष्मान कार्ड, फ्री में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस, बेघर को घर, शौचालय आदि। तो इन सब का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। सर, आगरा में इतिहास रहा है, मेयर हमेशा बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष कहता है इतिहास बदलेगा और इस बार हम जीत दर्ज कराएंगे, तो क्या कहेंगे इस बार? मुंगेरी लाल के सपने हैं, 13 को सब चूर हो जाएंगे। सर, गंगा जल भी आप लाए शहर में, विकास की अगर बात करें तो शहर के लोगों का कहना है फर्क है, तो क्या लग रहा है इस मुद्दों को लेकर जनता निकल रही है बीजेपी को वोट देने? बिल्कुल, जनता विकास के नाम पर बीजेपी के साथ है और उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे पानी, बिजली और स्वास्थ्य के लिए दवाई, आज SN मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ सांस्कृतिक विकास के लिए और पर्यटन के विकास के लिए मैंने जो करा है बजट में पास कि यहाँ पर नक्षत्रशाला बनेगी, यहाँ पर साइंस पार्क बनेगा, तो यहाँ से यहाँ पर शैक्षिक पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सांस्कृतिक वातावरण के लिए शिवाजी महाराज के स्मारक की स्थापना होगी जो यहाँ के शौर्य का प्रतीक है। ये सब कारण ऐसे हैं कि अब लोगों को लगता है कि काम करने वाली सरकार आई है, अब मन को छूने वाली सरकार आई है। अखिलेश यादव कहते हैं डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी कर रही है, कहीं ऐसा ना हो डबल इंजन आपसी में ही टकरा जाए, क्या कहें? अभी तक नहीं टकरा है क्योंकि वो चचा भतीजे टकराते हैं, इसलिए उनको लगता है कि और लोग भी टकराएं, यही कामना करते रहते हैं। वो टकराते टकराते खत्म हो गए, फिर अल्टीमेटली उन्हें चचा का साथ लेना पड़ा, मालूम नहीं कितने चचाओं से टकराए हैं वो, इसलिए उनको टकराने की आदत है। सर, आखिरी सवाल, और बीजेपी अब कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है निकाय चुनाव का, क्या कहें? 3/4 तो हमारे पार्षद जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से हमारे मेयर जीते। तो जैसा आपने देखा हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जीते, साफ कहना है रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं वह सब जीतेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य कराए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा।